इंटरेस्टिंग और बहुत काम का रूल है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, मान लो अब आपको यार साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है आपको। ध्यान से सुनना, फिलॉसफी पे ध्यान रखना, ये मत सोचना अरे सर सिंपल है, सर मेरे को तो बचपन से आता है, ये बचपन का प्यार नहीं आपका ये। ध्यान से सुनना, सबसे पहले देखो हमने अभी तक क्या सीखा है यार, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स है ना, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स ये आता है कॉस एक्स आता है ना, ये कॉस एक्स आता है। ध्यान से सुनना देखो, अगर मैं यहां पर अभी साइन एक्स है तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कॉस एक्स आ रहा है। अगर मैं यहां पर मान लो यहां पर अगर अपन यहाँ टी लिख दें है ना, यहां अपन अगर टी लिख दें तो यार ब्रैकेट के अंदर टी, इसके अंदर टी, तो यहां पर भी ये टी हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर अपन जेड लिख दें तो यहां पर भी जेड होना चाहिए, तो यहां पर भी जेड हो जाएगा। यहां पर अपन हाथी लिख दें, नीचे भी हाथी होना चाहिए, तो यहां पर भी हाथी हो जाएगा। यहां पर अपन गधा लिख दें, नीचे भी गधा होना चाहिए और देखने वाला भी गधा होना चाहिए, तो कॉस गधा आ जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ब्रैकेट के अंदर जो मसाला है, ध्यान से सुनना देखो, ब्रैकेट के अंदर जो मसाला है सेम मसाला नीचे होना चाहिए, तो वो कॉस मसाला आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन बोलता है कि भैया पहले तुम मसाला सेम करो तो फिर मैं कॉस मसाला सेम करूंगा। देखो मैगी मसाला नहीं है ये, है ना। तो साइन मसाला अपॉन डी मसाला इज इक्वल टू कॉस मसाला, मसाला सेम होना चाहिए जिंदगी में, ठीक है ना, तो ही आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब देखो आपके सामने सवाल आ गया यार, साइन 2x को मुझे dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो d ऑफ साइन 2x अपॉन dx हो गया ये मामला। अब आप बोलोगे सर इसको तो मैं सीधे कर दूं, नहीं कर सकते हो। ध्यान से सुनना, यहां पर जो मसाला है और ये जो मसाला है ये अलग अलग मसाला है, तो अभी सब्जी नहीं बनेगी, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। पहले मसाला सेम करो, मसाला सेम करो पहले। सर मसाला कैसे करें, डी साइन ऑफ 2x अपॉन डी ऑफ 2x लिख दो एक काम करो। यहां पर सर ऐसे तो नहीं कर सकते, हमने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो ये था। आपका राज तो नहीं चल रहा है बेटा, मेरा ही राज चल रहा है यहाँ पर। दो डी 2x लिख दिया सर, अब क्या करें, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो डी ऑफ 2x से क्वेश्चन सेम बनाने के लिए अपॉन डी एक्स। अब देखो अब साइन को कोई समस्या नहीं होगी जिंदगी में, उसने बोला तुमने मसाला और मसाला सेम कर दिया, तो भैया साइन का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में भाई साहब कॉस मसाला, पान मसाला नहीं है ये, कॉस मसाला, मसाला सेम रहना चाहिए इनटू। अब 2x का डिफरेंशिएशन तो हमने कल सीख ही लिया था करना, 2 बाहर निकालो, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ये आ गया हमारे पास में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई वैसे करके लिख दूं तो 2 cos 2x। तो देखो हम चेन बना रहे हैं, हम जो है चेन बना रहे हैं, चेन एक ये चेन बना ली हमने, ये दो कड़ियों वाली, दो रिंग वाली चेन बना ली। देखो अभी हमने ये समझ गए, मसाले सेम करते गए हम क्या करते गए, मसाले सेम करते गए बस। अब आपको जिंदगी में कभी चेन रूल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि